मोटी मोटी बात हिंदी में बताएं कि 302 को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये सुसाइड होमोसाइड, ये कल्पेबल होमोसाइड और सुसाइड में तीन मोटी बातें हिंदी में जो ट्रायल कोर्ट के लॉयर जो वेयर हिंदी लैंग्वेज इज बीइंग कंसीडर्ड लाइक हरियाणा इज आल्सो सेइंग व्हाट शुड बी द मूट पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू यू। देखो मेरे हिसाब से अगर आपने 302 और 304 में केस ले जाना, पहले तो ट्राई टू मेक आउट इसको केस को, हम सबसे पहले 302 से 304 में ले जाने की कोशिश करते हैं। 304 से इवन इफ आदमी अगर मर गया है तो 325 326 में मोटी मोटी बातें ये हैं कि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं ये करने की कि इसकी इंटेंशन ये ऑफेंस कमिट करने की नहीं थी, वो हम करते हैं फ्रॉम दी सर्कमस्टांसेस। ये सर्कमस्टांसेस से हम शो करने की कोशिश करते हैं कि सर्कमस्टांसेस शो करते हैं कि ही नेवर इंटेंडेड टू व्हाट ही हैज डन। सेकेंडली हम ज्यादा मेडिकल एविडेंस को बहुत देखते हैं और ट्रायल कोर्ट के मेरे भाई बैठे हैं जो ट्रायल कोर्ट में करते हैं, ये हमारे से बहुत ही बहुत ज्यादा लायक है बिकॉज ट्रायल कोर्ट से किया हुआ केस ही हम करते हैं। इट इज द वे दे हैव हैंडल्ड द केस इन द ट्रायल कोर्ट। सो मेडिकल एविडेंस मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रायल कोर्ट के वकील जो हमारे भाई करके भेजते हैं उससे ये प्रूव करते हैं कि इंजरी जो कॉज की थी वेदर इट वॉज सफिशियंट टू कॉज डेथ और ही कुड हैव बीन सेव्ड और द इंजरी वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ द वेपन विच वॉज यूज। दूसरी तीसरी बात हम कोशिश करते हैं ये बताने की कि आई विटनेस जो है वो प्रेजेंट नहीं थे, उससे हम ये कोशिश करते हैं कि ये आदमी ने अकरेंस नहीं की, उससे हम वेपन को विद द इंजरीज उसको टैली कराने से कोशिश करते हैं कि नहीं हुआ। तो ये सारी बातें मेरे हिसाब से शुरू होती हैं इंक्वेस्ट से। तो मर्डर के लिए हम इंक्वेस्ट उठाएंगे, इंक्वेस्ट में जो आईओ ने चोटें लिखी हैं वो देखेंगे। मैं मेडिकल एविडेंस अपने भाइयों से कह रहा हूँ मेडिकल एविडेंस पे ट्रायल कोर्ट में आर्गू करेंगे 302 304 के बारे में। इनवेरिएबली जो उसमें उसने चोटें दी होती इंक्वेस्ट रिपोर्ट में दे आर इक्वलेंट टू दी आई विटनेस व्हाट दी आई विटनेस सेज, लेकिन मेडिकल एविडेंस में चोटें डिफरेंट आती। सो वी ट्राई टू शो दैट दी आई विटनेसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, दी इंजरीज हैव बीन मैनिपुलेटेड, दी वेपन विच दे जो वेपन वो कहते हैं वो यूज नहीं हुआ, इस आदमी की इंटेंशन नहीं थी, नाइदर इसको नॉलेज थी। तो इन बातों से हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं 302 और 304। और अगर थोड़ा सा और करते हैं जोर लगाते हैं तो 304 से हम कहते हैं कि इंजरी सफिशियंट नहीं थी इवन फॉर 304। तो 300 कई बार ऊपर से धक्का दिया आदमी नीचे गिर गया एंड ही डाइड, तो देन इट कैन बी 325 ऑल्सो।